Namaste everyone, my name is Alexandra, and today is Friday, so every Friday Saint Miyadis pray to God, and he doing fast, so I show you. सारे भाई राम राम भाई, मैं हूँ सनमित। अच्छा ये ऑलरेडी अलेक्जेंड्रा भाई। फ्राइडे क्या होता है, मैं व्रती रहा हूँ संतोषी माता का लंबे टाइम से, तकरीबन 5-6 साल हो गए। मेरी मम्मी है जो तकरीबन पिछले 20 साल तक रहे हैं संतोषी माता का व्रत। ये रहती हैं, ये चठोरी है, मैं। भाई आज का के है जो इसके ना अपनी फैमिली के लिए चश्मे खरीदे थे चिल्ली भेजने के लिए, और वो इसलिए भेजे थे भाई यहाँ से, इसलिए खरीदे क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं और इंडिया में सस्ते हैं। पहले भेजे थे एक दो बार, लेकिन अब की बार क्या है, जो कुरियर वाले हैं उन्होंने मना कर दिया कि अब परमिशन नहीं है जो अभी ऑप्टिकल ग्लासेज हैं जो हैं। तो फिर मैंने पता कराया, इन्फॉर्मेशन निकाली, तो किसी ने कहा कि मतलब इसका ना प्रिस्क्रिप्शन वगैरह जो डॉक्टर लिखा करे, प्रिस्क्राइब करा करे कि प्रिस्क्रिप्शन बनवा ले और इसका जो असली बिल बनो कटवा ले, जो मतलब जिस पे चश्मे लिए हैं ना। तो नॉर्मली तो हमारा बिल वगैरह दे नहीं ना, तो ये कल फिर मैंने ये बिल वगैरह बनवाए हैं, डॉक्यूमेंट तैयार करे हैं, प्रिस्क्रिप्शन इनकी कंट्री में तो मंगवाए, जो इसकी सिस्टर है इसके भाई ये वहाँ का प्रिस्क्रिप्शन की कंट्री का, और फिर मैंने यहाँ पे बनवाए हमारे वाले हमारे यहाँ बता जी पर्ची दे भाई बोले भाई ये हमारा जो है। एक और चीज़ है, ये जो बढ़िया कंपनी है जैसे DHL है, FedEx है, ये है सर्विस बढ़िया है, लेकिन महंगे बहुत पड़े हैं, खासकर DHL तो बहुत ज़्यादा है। फिर FedEx में पता करा, FedEx में बोले कि भाई वजन आधे किलो तक रह गया तो 2,500 रुपये लगेंगे, और जो आधे किलो तो ऊपर चला गया चाहे ग्राम में जाओ फिर 7,500 लगेंगे। तो अभी हमने पैक तो कराया है, अपन ने 2,000 के डब्बे में कराया है मतलब फाइनल पैकिंग नहीं है क्योंकि ऑनलाइन डालनी पड़ेगी, मतलब जो पिकअप डालना पड़ेगा, पिकअप के लिए जो फिर लड़का आएगा उसको दिखाने पड़ेंगे अंदर क्या है, उसके बाद ये पैक करा जाएगा और फिर जाएगा ये कुरियर। तो अभी मेन चीज़ यही है कि ये चला गया 20-30 ग्राम ऊपर, 530-535 ग्राम, मेरा टेप लगे पीछे तो थोड़ा और चला जाएगा। तो देखते हैं वो बंदा जो आएगा पिकअप के लिए रिक्वेस्ट करेंगे मानेगा या नहीं मानेगा, है ना। इसका प्रेशर आ रहा है भाई बहुत ज़्यादा, कुछ तो ये बारिश चल रही है आजकल, बारिश की वजह से मैं डिले चल रहा हूँ चले जाएंगे पर यह तगा जमान रही है। ठीक है भाई, दिखाता हूँ हम लोगों को आज।
देखो भाई वो ऑफिस में जींस सुखा रखी है जोड़ा भी आज क्यों होया। मैं जैसे चला करता जब तो वहाँ पर बारिश शुरू करी थी, लेकिन रास्ते में ज़बरदस्त बारिश थी, सारा भीग भगा का आया था मैं। एक भाई पजामा लेकर आया था, उसका पजामा यूज़ कराया है, और अभी पिकअप बुक कर दिया है अलेक्जेंड्रा के कुरियर के लिए। अभी उन्होंने टाइम दिया है 1 से 4 के बीच में लड़का आएगा, तो फिर उसको कुरियर देंगे। कुरियर हो गया रेडी, अभी जाना रहे लेके डिलीवरी देखा नहीं पड़ेगी हमने। और बारिश होने लग रही है, बुरी हालत हो रही है। देखो हाँ भाई आज क्या होया, आज वो मैंने पिकअप बुक रखी थी जो फेडेक्स में कुरियर भेजने के लिए, तो उसका कुरियर वाले का फ़ोन आया कि भाई मेरे चोट लग रही है, जो तू डिलीवरी दे दे दो। तो मैं बोला चल यार मैं ले आता हूँ, मैं गया ले गया कुरियर, मैं दिखाता आप लोगों को। एक मिनट रुक जा भाई, शोर ज़्यादा हो रहा है। तो फिर मैं गया था कुरियर लेकर, तो बोले देखते ही बोले यार हम इसको नहीं भेज सकते। मैं बोले यार ऐसा क्यों, वो बोले कि भाई इसमें ना बार कोड होने चाहिए, लेबल होना चाहिए वो जो तने लेकर आना था। मैं यार मैं कैसे लाता, मैं तो ऑनलाइन करा है। माउंट नंबर तक बोला था कि मैनुअली तुम लिख के दोगे, बोले नहीं हम मैनुअली नहीं करते। फिर वापस आकर ऑफिस में फिर फ़ोन करे फेडेक्स के कस्टमर केयर में, वो बोले नहीं उन्होंने ही करना है, तो आज शाम 6 बजे तक हो जाएगा। मैं बोला 6 बजे तक तो मैं नहीं रुक सकता भाई, आप लोगों ने पता है मेरा 5 बजे तक आखिरी अल्टीमेटम है, कौन से नाराज़ हो जाना ही। तो अभी मैं कुरियर देख आया हूँ एक भाई ने, जो आवे यार कोई दिक्कत नहीं आई तो आज हो जाएगा भेज देंगे वो उसको, नहीं तो फिर मैं कल को आने के बाद देखता हूँ उसको। मैं एक्चुअली यहाँ पे रुका था आप लोगों को थोड़ा नज़ारा दिखाने के लिए। बारिश आज पूरे दिन से हो रही है, ये N44 है जो दिल्ली की तरफ जा रहा है, दूसरा चंडीगढ़ की तरफ जा रहा है, और ये मेरे पीछे है पार्क हॉस्पिटल जिसकी ब्रांच फरीदाबाद में भी है। मौसम अच्छा हो रहा है एक्चुअली मैं जब सुबह आया था तब भी भीग गया था सारा हॉस्पिटल में, फिर कपड़े चेंज करे भाई एक्स्ट्रा कपड़े लेकर आया था, और मेरे साइज के कपड़े भी नहीं मिलते, और मैं अभी घर पर जान लग रहा हूँ। तो ठीक है भाई, बाय।